गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में पढ़ा था हमने कि किस प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद के बारे में डेविड ईस्टन ने जो है अपने विचार उसने प्रकट किए, और डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 प्रमुख विशेषताएं आपको कल बताई थी, उनका उसने व्यापक रूप से वर्णन किया है, और इन विशेषताओं के आधार पर उसने उत्तर व्यवहारवादी अवधारणा को प्रतिपादित किया है। तो इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद, जो कि व्यवहारवाद के बाद में व्यवहारवाद से एक अगला चरण था, और व्यवहारवादी क्रांति में जो कमियां, जो दोष रह गए थे, उन कमियों दोषों को दूर करने के लिए एक नए, जब आवश्यकता महसूस हुई कि अब अध्ययन में और नई विषयों और तत्वों को शामिल किए जाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, तब उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ। और उत्तर व्यवहारवादी क्रांति ने व्यवहारवाद में जो उत्पन्न कमियां, दोष थे, उन्हें दूर करने का पूर्ण प्रयास किया। और जहां व्यवहारवाद केवल मूल्यों की बात करता है और सामाजिक परिवर्तन की बात नहीं करता, जबकि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति ने सामाजिक परिवर्तन को अपने अध्ययन में शामिल किया, मुख्य रूप से सामाजिक समस्याओं का जो समाधान, विश्वसनीय समाधान उसने प्रस्तुत किया, और मूल्यों के साथ साथ जहां पर व्यवहारवाद केवल तथ्यों को ही अपने अध्ययन में प्रमुख रूप से स्थान देता है और तथ्यों को ही प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण उन पर बल देता है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति ने ये अपने तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी अध्ययन में स्थान दिया जाने लगा, और उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के कारण अध्ययन में तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी शामिल किया गया। तो इस प्रकार से कल हमने उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको बताया था, और उत्तर व्यवहारवादी क्रांति में भी कुछ कमियां, कुछ दोष रह गए हैं, जिसके बारे में आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की क्या आलोचनाएं हैं, कमियां हैं, सीमाएं हैं। तो देखिए, हम उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के बारे में बताते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद में क्या कमियां, दोष रह गए थे। तो देखिए, उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना, उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना कमियां या सीमाएं तो देखिए, जिस प्रकार से व्यवहारवादी आंदोलन में कुछ कमियां, कुछ दोष रह गए थे, उसी प्रकार से उत्तर व्यवहारवादी क्रांति में भी समय के साथ कुछ कमियां, दोष रह गए हैं, उनके बारे में आज हम इस बारे में देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद में क्या क्या कमियां, क्या क्या दोष रह गए थे। देखिए, पहला इसका पॉइंट है, उत्तर व्यवहारवाद में अंतर विरोध है। पहला पॉइंट है इसका, उत्तर व्यवहारवाद में अंतर विरोध है। तो देखिए, अंतर विरोध किस प्रकार से है, जहां व्यवहारवाद केवल अपने अध्ययन में तथ्यों को ही महत्वपूर्ण स्थान देता है, मूल्यों को स्थान नहीं देता है, और तथ्यों पर आधारित अध्ययन की बात करता है, क्योंकि तथ्यों पर आधारित अध्ययन होने के कारण ही जो है अध्ययन में वैज्ञानिक और तकनीकों पर आधारित जो है अध्ययन की शुरुआत होगी और अध्ययन विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक बन पाएगा। तो लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में हमने देखा कि उत्तर व्यवहारवाद जो तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी महत्वपूर्ण स्थान देता है, इस कारण से हमें इसमें अंतर विरोध दिखाई देता है कि जहां केवल व्यवहारवादी क्रांति केवल तथ्यों की बात करती कि अध्ययन में केवल फैक्ट्स को ही जो है शामिल किया जाए, फैक्ट्स बेस्ड स्टडी की बात वो करती है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति फैक्ट्स के साथ साथ मूल्य बेस्ड अर्थात वैल्यू बेस्ड एंड फैक्ट बेस्ड स्टडी की बात करती है, कि उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों के साथ साथ वैल्यू के साथ साथ फैक्ट्स बेस्ड स्टडी भी हो।
तो इस प्रकार से हमें इसमें अंतर विरोध दिखाई देता है कि एक तरफ तो व्यवहारवाद केवल मूल्यों की बात करता है, सॉरी केवल तथ्यों की बात करता है, लेकिन इसमें उत्तर व्यवहारवाद में तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी जो है शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हमें एक अंतर विरोध दिखाई देता है कि जो शोध करता है वो तथ्यों का भी अध्ययन करेगा, मूल्यों को भी अपने अध्ययन में शामिल करेगा। तो इस प्रकार से जो है हमें इसमें अंतर विरोध दिखाई देता है कि एक तरफ तो हम बात तथ्यों की करते हैं, उसके साथ साथ ही हम मूल्यों को भी अपने अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, तो इसमें हमें एक अंतर विरोध दिखाई देता है। अगला है अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, अगली इसकी आलोचना है अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो देखिए इसके लिए कहा जाता है कि ये अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है क्योंकि इसमें तकनीक से पहले जो है सार को महत्व दिया जाता है, तकनीक से पहले सार को महत्व दिया जाता है, सार अर्थात लक्ष्य उद्देश्य उसको महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार हम ये कहते हैं यह एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम उस अध्ययन को कहते हैं जिसमें हम अधिक से अधिक तथ्यों पर आधारित अध्ययन करें, अर्थात फैक्ट्स बेस्ड स्टडी, और इसके साथ ही टेक्निक्स तकनीकों पर भी हम पूरी तरह से अपना फोकस करें। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में हम तथ्यों के साथ साथ जो विशुद्ध रूप से अर्थात जो तकनीकें विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती हैं उनको अध्ययन में शामिल करने की बात करते हैं कि तथ्यों पर तो आधारित अध्ययन हो लेकिन उसके साथ साथ ही तकनीकी बेस्ड हो, अर्थात तकनीकी अर्थात नई तकनीकों को भी अध्ययन में शामिल किया जाए। तो इस प्रकार से इसमें तकनीक से पहले सार को महत्व, तकनीक को इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि सार को दिया जाता है, इसलिए हम ये कहते हैं ये क्या है, ये अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अगला है ये अमरीकी राष्ट्रीय हितों की प्रतिनिधि विचारधारा है, यह है अमरीकी राष्ट्रीय हितों की प्रतिनिधि विचारधारा है। देखिए अमरीकी राष्ट्रीय हितों की प्रतिनिधि विचारधारा है, इसका मतलब यह है कि इसमें प्रासंगिकता के प्रति जो है वह प्रतिबद्धता ज्यादा दिखाई देती है, जबकि व्यवहारवादी क्रांति में प्रासंगिकता को इतना महत्व तो नहीं दिया जाता। तो हम ये देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद में प्रासंगिकता को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कल भी कि उत्तर व्यवहारवाद में कर्म और प्रासंगिकता दो प्रमुख जो है इन तत्वों पर पूरी तरह से बल दिया गया है और प्रासंगिकता पर आधारित ये पूरी तरह से विचारधारा आधारित है। तो अमरीकी राष्ट्रीय हितों की प्रतिनिधि विचारधारा का मतलब है कि प्रासंगिकता को अधिक महत्व देने के कारण, क्योंकि इसमें प्रासंगिकता को अधिक महत्व दिया गया है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अमरीकी राष्ट्रीय हितों की क्या है, प्रतिनिधि विचारधारा है, क्योंकि इसमें अमरीकी राष्ट्रीय हित एवं मूल्यों के संदर्भ में इसे समझा जाता है। अगला इसका जो आलोचना का बिंदु है यह है कि उत्तर व्यवहारवाद मात्र उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए उत्तर व्यवहारवाद मात्र उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि उदारवादी और लोकतांत्रिक मूल्यों की हम बात करते हैं तो उदारवाद
और लोकतांत्रिक मूल्यों को हम मानव मूल्य समझते हैं, और इसमें हम मूल्यों पर आधारित अध्ययन की बात करते हैं कि अध्ययन कैसा हो, मूल्यों पर आधारित हो। तो देखिए, जहां व्यवहारवाद तथ्यों पर आधारित अध्ययन की बात करता है और मूल्यों को बिल्कुल हटा देता है, क्योंकि व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात करता है, अर्थात मूल्यों को अध्ययन में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि उत्तर व्यवहारवाद में हम अध्ययन में मूल्यों को प्रमुख स्थान देते हैं, अर्थात वैल्यू बेस्ड स्टडी की बात हम करते हैं। तो इसमें हम उदारवादी और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रमुख रूप से मानते हैं। तो हम यह कहते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों को जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और मूल्यों को अधिक स्थान देने के कारण हमें ये लगता है कि तथ्य जो है वो अध्ययन से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और जो हम तकनीकी पर आधारित अध्ययन की बात करते हैं, अर्थात जो अध्ययन तकनीकी पर आधारित हो वो अधिक से अधिक वैज्ञानिक होगा, लेकिन जब हम मूल्यों